आज इसे तुम्हारे साथ सोना है तो तुम्हें ये बहका कर लेके जा रहा है, और तुम भी इसके साथ जा रही हो। लेकिन अंकिता, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी ना, तुम ऐसे ही सहारा ढूंढती रहोगी। अंकिता, आज बहुत समय बाद हमें ऐसा मौका मिला है ना कि हम एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। यार, वरना तो हम दोनों ही अपने काम में बिजी रहते थे। हाँ यार, बिल्कुल समय ही नहीं मिल पाता। हाय अंकिता, वैसे ब्रेकअप के बाद काफी निखर गई हो। शट अप, और ये बताओ इतने कॉल्स क्यों किए तुमने मुझे? हाँ, वैसे मैंने तुम्हें अकेले में बुलाया था। गोपाल इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखिए भाई साहब, क्या मैं अपनी जाने मन से कुछ देर अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? यार अंकिता, तूने मेरी रिप्लेसमेंट पे वो चोमू चुना है, उस तो इज्जत रख लेती मेरी। यार अंकिता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह! अरे अरे वो हेलो बेबी, वो जो तुमने 90 बोली थी ना, वो ले लिया मैंने। अरे कब बोला मैंने? क्या बोल रही हो? कुछ भी, अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। यार रुको ना। Leave me! तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने भी तो उस चोमू से सेटिंग रखी है, मेरा भी बस ऐसी। कोई भी लड़की ऐसी नहीं होती। Shut up! तुम सन्नी से ऐसे बात नहीं कर सकते। सनी, तू हसी ना? नहीं तो मैं क्यों सुनूंगी? तू हसी। Shut up! यार सुनना, चलना कहीं चल के बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मुझे नहीं जाना कहीं। यार चलना, लास्ट बार। यार कहाँ जाएंगे? वहीं, रूम नंबर 202। No ways! यार लास्ट बार ना। अच्छा ठीक है, पर हम सिर्फ बात ही करेंगे। Of course! 15 मिनट? 12:30। चलो ठीक है, पर हाँ इस बार पैसे तुम दोगे। अरे तू चोमू से उधार मांगना। अरे सनी, वो तेरे पास 600 रुपए होंगे क्या? कल दे देंगे हम। यार कैश तो नहीं है मेरे पास, मैं ऐसा करता हूँ ऑनलाइन कर देता हूँ। हाँ हाँ, नंबर। देखो आ गए होंगे। थैंक यू भाई, चलो चलो। अंकिता एक मिनट। अच्छा फोन और पर्स के लिए बोल रहे हो, मैं अभी ले लेती हूँ। नहीं, तुम्हें पता है अंकिता, अगर किसी मेंढक को खौलते पानी में डालो तो वो 2 मिनट में छलांग लगा देता है। अगर उसी मेंढक को नॉर्मल पानी में डालो, फिर उस पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो पानी खौलने लगता है तो वो जंप नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि तब तक वो मर चुका होता है, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं होता व्हेन इज द राइट टाइम टू जंप। लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? रिलेशनशिप भी ऐसे ही होता है, जब तक पानी गुनगुना होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें उसकी आदत हो जाती है। आज इसे तुम्हारे साथ सोना है तो तुम्हें ये बहका कर लेके जा रहा है, और तुम भी इसके साथ जा रही हो। लेकिन अंकिता, जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी ना, तुम ऐसे ही सहारा ढूंढती रहोगी। अरे यार, मैं तुम्हारी बातें बाद में समझती हूँ, अभी मुझे जाना है, लेट हो रहा है। चलो बेबी। चलो।